सभी आइए, क्लासेस स्टार्ट करते हैं और आप सबका स्वागत है इस बैच में. ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन दिस बैच एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस बैच. इट इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन क्लास. क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे 4 to 5:30 PM. ये शेड्यूल रहेगा आपका. मैं कुछ बातें आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा जो हमें ध्यान रखनी है थ्रू आउट द कोर्स, पूरे कोर्स में. लेकिन अगर आपके अपने कुछ क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स, तो खैर मैं अभी नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है. हालांकि आपको कुछ लेक्चर्स हैं वो VOD फॉर्मेट में मिले होंगे. आपने देखा होगा जो आपका सिलेबस है, आपका जो कोर्स है, उसमें आपको 3 सेक्शंस मिले होंगे. ये 3 सेक्शंस जो हैं वो आपके कोर्स में ऑलरेडी VOD फॉर्मेट में आपके अवेलेबल होंगे. देखे सबने, वी विल कवर इट इन लाइव सेशंस. ठीक है, रेफरेंस के लिए आपका तब तक है कि थोड़ा आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए सबका. तो बेसिक्स VOD, VOKAB, NRC, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये आपके 3 सेक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं. जब आपने एडमिशन लिया होगा तभी आपको मिल गए होंगे. एक और सेक्शन है जो आपका ऐड हो जाएगा, लाइव लेक्चर्स. जो आपकी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी वो इस फोल्डर में एक अलग सेक्शन बन जाएगा लाइव लेक्चर्स से. यहाँ पर आपकी सारी क्लासेस रहेंगी. डिसाइड करेंगे कि हमें इस बैच में कैसे तैयारी करनी है, किन चीज़ों का अपार्ट फ्रॉम लाइव लेक्चर्स ध्यान रखना है. ठीक, तो आई विल स्टार्ट लेटर. मैं बाद में स्टार्ट करूंगा लेकिन पहले आप सबको मौका है. इफ़ यू हैव गॉट एनीथिंग टू शेयर और आस्क, यू कैन. सबसे पहला काम जो हमें करना है, अगर हमने नहीं किया है, जो बच्चे हमसे किसी दूसरे बैच में पढ़ चुके हैं और तो उनको पता है कि कोई भी कोर्स होता है अपने एप्लीकेशन पर तो उसमें एक बेसिक्स VOD का कोर्स आपको मिलता ही मिलता है. वो कंपलसरी होता है, करना भी होता है और वो आपको मिलता ही है. ठीक है, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले कोई बैच NCOM या कोई भी बैच हमसे किया है उनको पता है. ठीक है, उनको ऑलरेडी पता है और दे नो द कंटेंट, दे हैव द आइडिया अबाउट द कंटेंट ऑफ द बेसिक्स VOD. बट फॉर दोज लर्नर्स, ऐसे लर्नर्स जिन्होंने मतलब ये पहला हमारा कोई बैच ज्वाइन किया है, अल्फा 2024 जो हमारा बैच है वो इसी बैच के थ्रू हमारे साथ जुड़े, तो उनको शायद ऐसा नहीं पता होगा. तो उनको सबसे पहला काम करना है कि बेसिक्स VOD, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उनको सबसे पहले बेसिक्स VOD जो कोर्स है इसको कंप्लीट करना है. इसमें जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स को देखिए, उनको देखकर अपने नोट्स बनाइए. ठीक है, और नोट्स बनाते समय कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी मिल जाए तो उसको अपना नोट कर लीजिए. ठीक है, उसको क्या कीजिए, उसको अपना नोट कर लीजिए और फिर बाद में हम उसका डिस्कशन कर लेंगे लाइव सेशन में. तो सबसे पहला काम आपको करना है बेसिक्स VOD जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना है. एक मिनट में इसको अच्छे से लिख देता हूँ. न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे पहले ये काम करना है. उसके बाद में जो आपको ये दूसरे VOD लेक्चर्स मिल गए हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, लाइव लेक्चर्स हैं, ये अपने करते रहना, वो अपने हिसाब से करना आपको जैसे ठीक लगे. उनको लेकर मेरा कोई इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं है, बस हमने वो कंटेंट आपको अवेल करवा दिया है. वो चीज़ें आपको लाइव भी पढ़ाई जाएंगी लेकिन फिर भी कंटेंट अवेल करवा दिया है. तो अगर आपके पास अपना टाइम है, आपको लगता है कि आपको जल्दी ज़रूरत है उन चीज़ों को देखने की, तो आप अपना पहले देख लीजिए. ठीक है, लेकिन ये सबको करना है एक काम. एक दूसरा काम जो मैं चाहूँगा कि सभी लोग कर लें, कोई एक हम क्या एक रीडिंग प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चला सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक हम इस कोर्स में फॉलो कर सकते हैं रीडिंग के लिए. जैसे कि आपको पता है कि अल्फा 2024 जो बैच है हमारा, ये बैच एक्चुअली इसलिए है कि हम लैंग्वेज को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में यूज कर पाए. ठीक है, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हमें क्वेश्चंस के आंसर आते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी हमें बहुत से याद हैं, रूल्स भी बहुत से याद हैं, हमने बड़ी मेहनत करके काफ़ी किताबें भी पढ़ रखी हैं. ठीक है, लेकिन क्या ये जो सब हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है
कैन बी पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इनटू प्रैक्टिस व्हेन नीडेड, क्या जरूरत पड़ने पर हम इस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल अपना यूज कर पाएंगे लाइफ में जरूरत पड़े तो उसके लिए ना रीडिंग इज अ मस्ट। रीडिंग जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपको करनी ही करनी है, उसके बगैर में लैंग्वेज पे कमांड नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम कोई एक बुक रीडिंग प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो कर सकते हैं अपने इस बैच में कि ये बुक सभी कैंडिडेट्स लेंगे और उसमें हम चैप्टर वाइज उसमें टारगेट सेट करके उसको पढ़ा करेंगे? मैं मतलब उस पर कोई आपका टेस्ट नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, वो दैट इज अप टू यू, वो आपकी ईमानदारी होगी कि आप उस बुक को एज डायरेक्टेड वैसे पढ़ें, समझें, उसके अपने नोट्स बनाएं। मतलब एक मैं चाहता हूं एक पढ़ने की आदत रहे। तो क्या हम इसमें कोई एक रेफरेंस बुक फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चला सकते हैं अपने कोर्स में, इंक्लूड कर सकते हैं क्या? हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक रहेगा? एक बार बताइए कमेंट करके। वी विल फाइनल द टाइटल इन दिस क्लास ओनली, आज ही इसी क्लास में हम फाइनल कर देंगे टाइटल को कि दिस इज द टाइटल, दिस इज द रेफरेंस बुक फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस, एवरीवन हैज टू हैव दिस बुक एंड रीड इट रेगुलरली, ठीक है? फिर कभी अगर जरूरत पड़ी, हमने उस पर कोई लाइव मीटिंग वगैरह रखी तो उस पर हम डिस्कशन भी कर लेंगे। तो एक बार कमेंट करके बताइए, ओके? देन ठीक है, तो हम एक रेफरेंस बुक चला लेते हैं इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए, टाइटल फाइनल कर लेते हैं, ये बुक पढ़िए, दिस इज द रेफरेंस बुक फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन दिस अल्फा 2024 बैच में, इसको आप लोग मंगा लें। ये दो काम हो गए। आप में से किसी ने ये बुक पहले पढ़ी है, एक बार कमेंट करके बताएं। रवि जी ने पढ़ी है, बढ़िया, अच्छी बुक है। एक काम और आज से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? रिटन कम्युनिकेशन Only in English. Written communication only in English. Written communication जो हम करेंगे वो केवल English में करेंगे। ये आज से हम ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए, जो हम Alpha Batch से फायदे लेना चाहते हैं, जिन benefits के लिए हमने ये batch join किया है, ठीक है, तो वो बेनिफिट्स हमें केवल बैच ज्वाइन करने से नहीं मिलने वाले हैं, एवरीवन नोज इट, ठीक है? इट इज जस्ट अ मीडियम टू अचीव द गोल्स। मतलब बैच ज्वाइन करना, पढ़ना क्या है? एक मींस है, इट शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ लाइफ। पढ़ना जिंदगी का पर्पस नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी का उद्देश्य पढ़ना नहीं है, इट इज अ मींस टू मेक वन सेल्फ बेटर, एंड व्हेन यू हैव बिकम बेटर यू मस्ट अचीव द गोल्स that are good for you, that are good for your society, that are good for your nation. So, पढ़ना हमारे life का goal नहीं होना चाहिए। पढ़ना है, ठीक है, लेकिन only केवल study करना ही life का goal नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो हमने batch join किया है, obviously we have joined it for some benefits, ठीक है? तो वो benefits केवल batch join करने से नहीं मिलने वाले हमें, ठीक है? It is a means, एक तरीका है उन benefits तक पहुँचने का, उनको पाने का। तो वो बेनिफिट्स हमें मिले जिनके लिए हमने बैच ज्वाइन किया, उसके लिए हमें कुछ करना भी होगा अपार्ट फ्रॉम जस्ट ज्वाइनिंग द बैच एंड अटेंडिंग लाइव क्लासेस, ठीक? बैच ज्वाइन कर लेना और लाइव क्लास अटेंड कर लेना, इसके अलावा भी और कुछ करने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बहुत छोटी छोटी मतलब हैबिट्स हैं जो अगर हम डेवलप कर पाए अपनी, तो ओवर द टाइम दे प्रोड्यूस बिग रिजल्ट्स। तो
मैनी ए लिटिल मेका मिकल वाली कहानी सुनी होगी सबने, मतलब कहानी नहीं एक प्रोवर्ब है, सबने सुनी होगी मैनी ए लिटिल मेक्स अ मिकल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि छोटे छोटे जो हमारे एफर्ट्स होते हैं, जो हमारी छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं ओवर द टाइम लंबे समय में, वो हमें बड़े बेनिफिट्स देते हैं। तो दिक्कत होती है वो हैबिट्स हमारी नहीं पड़ पाती, उनमें समस्या आती है। तो हम एक अपनी आदत ऐसे डालें कि हम अपना रिटन कम्युनिकेशन जो है वो केवल इंग्लिश में ही करेंगे। गलत होगा होने दो, कर लेंगे सही जब पता चल जाएगा क्या गलत हुआ, लेकिन करेंगे इंग्लिश में। तो जो इंग्लिश लोग यूज़ करते हैं या हिंदी यूज़ करते हैं रिटन कम्युनिकेशन में, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों जिन पर आप कमेंट करते हैं, ठीक है, या मतलब एनी काइंड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, कोशिश कीजिए वो केवल इंग्लिश में हो। तो ये बस आपको काम करने हैं जो आज हमने डिसाइड किए हैं। पहला, अगर आपके अपने कोई मतलब इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो आप पूछ लीजिए। अब अभी परसों भी क्लास होगी, तो अभी जो इस वीक में हम क्लासेस रखेंगे वो एक तरीके से केवल मिसलिनियस टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, जिससे कि हम अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर पाएं। प्रिपरेशन जो होती है, ठीक है, प्रिपरेशन का पहला स्टेप जो होता है वो असेसमेंट होता है, मतलब इवेल्युएशन होता है, कि सबसे पहले आप खुद को इवेल्युएट कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए कि हम अभी हैं कहाँ पर, देन स्टार्ट प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करेंगे मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा एक फेयर इवेल्युएशन हो पाए कि जब बैच स्टार्ट हुआ था तब हमारी क्या, मतलब तब हम किस लेवल पे थे, तब हमारा लेवल क्या था, ये हमें पता चल जाएगा। तो जो नेक्स्ट हमारी 2 or 3 क्लासेज इस वीक में होने वाली वो इवेल्युएशन की क्लासेज ही होंगी। उनके थ्रू हम केवल अपने को इवेल्युएट करेंगे, जज नहीं कह रहा मैं, केवल इवेल्युएट करेंगे कि हमारी अभी करंट सिचुएशन क्या है, हमारा करंट लेवल क्या है, और जब हम इस बैच को कंप्लीट करेंगे तब हम कहां तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है। ऐसा एक छोटा सा काम आप और करेंगे सभी लोग, एक ये नंबर है 8888 7 8 8 8 7 8, आप सभी इस नंबर को जानते ही होंगे। कोई भी कोर्स से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कोई भी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉग आउट नहीं हो रहा है, वीडियो नहीं प्ले हो रहा है, कोई भी समस्या है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो इस नंबर को आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर लीजिए, और साथ ही में सर को एक व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर दीजिए, 8888 7 8 8 8 7 8, ठीक है। तो इस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर देंगे सर को, ठीक है, कि सर आई एम एन एनरोली इन अल्फा 2024 बैच, ठीक। तो इतना एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो सर आपका नंबर सेव कर लेंगे। हाँ, ऑल लाइव लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन द ऐप आफ्टर द लाइव सेशन इज ओवर। लाइव सेशन खत्म हो जाने के बाद में ये जो सारी लाइव क्लासेस होती हैं वो ऐप पर अवेलेबल होंगी आपके रिविजन के लिए। होती ही है, ऐसा होता ही है, मान लीजिए देखिए सभी कैंडिडेट्स तो जो होते हैं वो लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते, हमेशा नहीं कर पाते, कभी किसी का छूट गया। तो ऑल दीज लाइव लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन द ऐप इन योर बैच इन वीओडी फॉर्मेट आफ्टर द लाइव क्लासेस ओवर फॉर योर रिवीजन एंड नोट मेकिंग। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, तो ये क्लास अवेलेबल होगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मेरा नंबर व्हाट्सएप का सबके पास होगा ही, फिर भी मैं लिख देता हूं, 9111 9 1 9 5 9 9 9 1 9 5 9, this is the number through which you can contact me on WhatsApp। इस नंबर के द्वारा आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं WhatsApp पर, ठीक है। कोई भी जो कंटेंट हम डिस्कशन कर रहे हैं एकेडमिक से रिलेटेड, आपका कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी जितनी सारी चीजें वो आप दुरानी सर के साथ इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, ठीक। इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वेरी पुअर, आई फील वेरी लो, थिंग्स विल इंप्रूव, वी विल ट्राई आर बेस्ट, हम मिलके कोशिश करेंगे,
वी विल ट्राई आवर बेस्ट दैट थिंग्स इंप्रूव,